हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय की आज की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। चलिए ऑफिशियली अपडेट जान लेते हैं, आयोग ने क्या निकाला है आज के अपडेट। तो गाइस, आप लोग देखते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर आज 1 अप्रैल को एक विज्ञप्ति अपडेट जारी किया गया है, जिसमें अभ्यर्थियों की रिगार्डिंग, इसमें कुल मेरे ख्याल से 130 करीबन पोस्ट रखे गए थे, जिसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ पर पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी और पशुधन प्रसार अधिकारी जो सीधी भर्ती विभागीय वाला, दो तरह की वैकेंसी थी, एक तो डिपार्टमेंटल एक सीधी भर्ती, और 11 फरवरी 2024 को इसकी लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था, और 1 मार्च को यहाँ पर जो है वेबसाइट में इसका श्रेष्ठ सूची अपडेट जारी किया गया था। फाइनली यहाँ पर जो है DB शुरू हो चुके हैं इनके, और आप लोग देखते हैं आपका कब कब होने वाला है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखते हैं पशुधन प्रसार अधिकारी सीधी भर्ती के लिए और विभागीय भर्ती के लिए, जिनका रोल नंबर 101 से लेकर 65 तक का है, 8 अप्रैल को होना है जनरल के लिए, और 66 से लेकर 105 तक का होना है उनका भी, उनका 9 तारीख को होना है, ठीक है, उनको 9 तारीख को होना है जनरल वालों का, यहाँ पे ये 9 तारीख को आने के लिए है। 9 तारीख को ही EWS के लिए 106 से लेकर 122 तक के अभ्यर्थी के लिए, और OBC के लिए 123 से लेकर 130 के अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 9 तारीख को, और 10 तारीख को बुलाए गए हैं आपका यहाँ पर OBC में 131 से 146 के बीच में, और 10 तारीख को ही 147 से लेकर 128 तक SC कैंडिडेट को बुलाए गए हैं, उसके ST के लिए 189 से लेकर 196 के अभ्यर्थियों को बुधवार को बुलाया गया है। सभी लोग जो है अपना चेकलिस्ट तैयार करवा लें, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको जो है यहाँ पर अपनी 6 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाली हैं, और निर्धारित समय पर आपको 9:30 बजे आपको प्रस्तुत हो जाना है, और अपने जो भी अभिलेख है सब कुछ आपको लेके आना पड़ेगा। और कहा कि आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जो है वैध प्रमाण पत्र जो समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया हो, तो वैध के अंतिम तिथि तक जो है वैध होना चाहिए, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया गया है। बाकी संवाद 97 डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको चेकलिस्ट बनाने के लिए आपको बोला जाएगा, और अगर अभिलेख स्तर में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट वांछित रह जाते हैं तो उनके लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा अतिरिक्त, आपको बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।